बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज्जत जहां हम आपको सिखाते हैं खाने नहीं नहीं, सिर्फ खाने नहीं बल्कि वो रिवायती खाने जिनको बआसानी आप अपने किचन में अपने घर में बनाकर अपने घर की रौनक बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी तकरीबात प्लान हो रही हो, कोई भी इवेंट प्लान हो रहा हो, तो आपको पता है सबसे पहला सवाल क्या होता है कि खाने में क्या है। और वैसे भी हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो खाने के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं। आपको पता है कि जब भी हमें एक दूसरे से मिलने का दिल करता है तो हम क्या करते हैं, लंच या डिनर प्लान कर लेते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं या गेट टुगेदर कर लेते हैं, हत्ता के कुछ भी करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, खाना, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई आज खाने में क्या खाएंगे। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी शेफ़ से पूछते हैं कि आज खाने में क्या है। तो हम बुलाते हैं समिया को जो कि हमारे किचन में आएंगी और हमें बताएंगी कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। तो बुलाते हैं समिया आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड समिया, आप कैसी हैं? आई एम गुड, और मैं आपकी इनफैक्ट बातें ही सुन रही थी एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो खाने होते हैं नॉट ओनली कि हम लोग सिर्फ खाने पे बॉन्ड करते हैं, बट जो रिवायती खाने होते हैं वो बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे आज बनाएंगे दैट्स गोना बी ईजी, जल्दी भी बनेगा और आप आसानी से अपने घर पे भी बना सकते हैं। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बताते ही ये हैं कि खाना तो बनाना है लेकिन वो खाना जो आसानी से बन जाए, कम टाइम में बन जाए और वो इन्ग्रीडियंट्स जो हमारे घर में मौजूद हो उनसे बन जाए, तो फिर क्या ही बात है। तो समी, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं हूँ एक्चुअली बॉर्न इन कराची, लेकिन आई स्पेंट माय चाइल्डहुड बाहर की तरफ, दुबई में स्पेसिफिकली। और इनफैक्ट कुछ साल पहले ही मैं वापस कराची में आई हूँ। दिस इज़ माय होम टाउन, यही शहर जो है वो मेरी पसंदीदा सिटी है। इट्स होम, इसी को कहते हैं घर बेसिकली। कहीं भी चले जाएं लेकिन यहाँ का जो मज़ा है वो यही होता है। मुझे बताएं कि कुकिंग का शौक़ आपको कैसे आया? कुकिंग का शौक़ मुझे खैर हमेशा से ही था, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने कहा कि उसको जाके एज ए प्रोफेशन एक्सप्लोर किया जाए। जब वहाँ पे गई तो हल्के हल्के फिर चीज़ समझ आई। तो ये फैमिली की तरफ से था या आपको खुद से शौक था कि भाई मुझे ये इसको प्रोफेशन बनाना है? इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, सिंपलीफाई करते हैं दोनों। आराम आराम से इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे बताएं हमारे किचन में आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही पसंदीदा एक डिश है और ये आती है मुगल्स की तरफ से। इनफैक्ट इट्स अ वेरी रॉयल डिश, तो इसको हम लोग कहते हैं मुगलाई हांडी या फिर नवाबी हांडी, जहाँ पे कुछ जगहों पे जाना जाता है। ठीक है, नवाबों की डिश है भाई, अब तो आराम से देखना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही है मेरे ख्याल से, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। लेकिन जो हमारे नाजरीन है उनको देखना है प्रॉपर पूरा हमारा प्रोग्राम, कहीं जाना नहीं है, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो ठीक है समय स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना इट्स अ रॉयल डिश, तो हमारे पास स्पाइसेस, मसाले बहुत होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, जिससे आपको नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लेकिन सिंपल से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है हमारी चिकन, जो यहाँ पे क्यूब कट होकर रखी हुई है। ओके, ये हमारा बोल है जिसके अंदर हम लोग सारी अपनी पहले मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। yes. और चिकन आपने बोनलेस लिया है? बोनलेस लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। ठीक है, बहुत छोटे भी नहीं, बहुत बड़े भी नहीं, एक मुनासिब साइज का नॉर्मल से पीस। अच्छा, मुझे बताएं चिकन जो है वो कितना लिया है हमने? ये हमने तकरीबन आधा किलो लिया है, तो आधा किलो जो है वो आराम से तीन लोग खा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग फिर। ठीक है, और एक तो हमारे पास हाफ के जी चिकन है, तो चिकन का मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पून रखे हुए हैं, तो मैं इनको जरा उठा लेती हूँ। ठीक है, आप बताइए आपको कुकिंग का शौक है वैसे? हाँ है, तो पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब टाइम नहीं मिलता कुकिंग करने का। अच्छा, तो ऐसी कौन सी रिवायती डिश है जो आप बहुत अच्छा बनाती हैं? रिवायती डिश तो हम लोग मेमन हैं और मेमनों के खाने तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो वहाँ के जो खाने हैं नानी जो बनाती हैं तो आपको पता है उफ, बस वो खाने हैं मुझ में, कुछ कुछ हैं थोड़े से असरात हैं वो वाले, और कभी कभी जब कोशिश करती हूँ तो। लेकिन हम ये है कि पहले रेसिपी की तरफ जाएंगे, उसमें बातें तो होती रहेंगी, ऐसा ना हो कि बातों में टाइम वेस्ट हो जाए और रेसिपी रह जाए हमारी। अरे हम जो है पे किचन का फायदा यही होता है, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वैसे भी जहाँ दो खवातीन मिल जाए ना तो बस बातें तो चलती रहती हैं। अच्छा, मुझे बताए चिकन पहले ऐड नहीं करी, अब मसाला ऐड कर रही है? यस, ताकि मसाला जो है वो बेसिकली उसको हम लोग सही से जब मिक्स कर लेंगे तो ये होगा चिकन अच्छे से, चिकन के अंदर वो इवनली कोट हो जाएगा, कोई भी जगह पे ज्यादा ऊपर नीचे स्पाइसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट। ओके, ये कितना लेंगे हम? क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक इसमें दोनों कंबाइन है, तो उसको मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून दे रही हूँ, वरना एक लहसुन का चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लूँगी हल्का सा
दही है यहाँ पे, दही को अगर आपने फेटा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो उसको एक अच्छा सा स्पिन करके उसके बाद फिर डालना है, ताकि वो जो बीच में दाने दाने से आते हैं, जो लम्स आते हैं वो ना आए, तो वो ना बने, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। फेंटना ज़रूरी है दही, तो वैसे भी आप जब भी यूज़ करें उसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दही जो है वो यूज़ करना चाहिए। आपको पता है इसमें कैल्शियम भी होते हैं और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पूरा डाल देती हूँ अंदर। दही कितना लिया है हमने तकरीबन? ये तकरीबन आधा कप होगा। आधा कप दही लिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल थोड़ी सी, यहाँ पे भी मेरे पास तकरीबन आधा कप ही है, लेकिन मैं इसमें से उसका भी आधा डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम, डेरी क्रीम जो होती है, ओके। ये मीठी वाली क्रीम नहीं है, नॉर्मल डेरी क्रीम है। अच्छा, इसमें मीठा नहीं है। रॉयल डिश है, नवाबों की डिश है, क्रीम और नट्स ना हो। नट्स, नट्स से ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसी डिश है व्हिच इज बेसिकली बर्स्टिंग विद फ्लेवर। इसके अंदर मसाले नहीं होंगे तो फिर इसमें मजा क्या है? और वैसे भी हम लोग ब्लेस्ड हैं इस चीज से कि हमारे जो खाने होते हैं उसमें मसाले इतने मजे मजे के डलते हैं कि दुनिया में और तरह के खाने जो होते हैं आप देखें वो कितने डिफरेंट होते हैं और कितने सिंपल होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो मसाले कहीं ना कहीं खो जाते हैं। ये क्या हम इसमें ऐड कर रहे हो? ये है हमारे पास ग्रीन चिली का पेस्ट जो हमने घर पे ही बनाया था। आपको वैसे बाजार पे भी मिलता है लेकिन दिस इज कम्प्लीटली होममेड। आपने 3-4 चिलीज लेनी है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, और उसको पानी के साथ उसको ब्लेंड कर दें और ये आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। उफ, मिर्चों वाला सालन तो बहुत जरूरी है। अगर हांडी बन रही है और ग्रीन चिलीज अब इसमें जाएंगी तो क्या ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे, जैसे आपने कहा था कि नवाबों की डिश है, रॉयल डिश है, तो उसके अंदर नट्स भी डलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 3 नट्स हैं। एक है पिस्ता, काजू और बादाम। इनको मैंने लिया तीनों को इक्वल अमाउंट्स में और उसके बाद में थोड़े से पानी के साथ उसको ब्लेंड करके आपका एक ऐसा पेस्ट बन जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा ही पेस्ट है जो थोड़ा सा गाढ़ा है और बहुत ज्यादा रनी ना हो तो उसके बाद फिर आपका एक चम्मच काफी है, वरना अगर आपके पास थोड़ा सा रनी बनता है, जितने भी नट्स हैं उनको इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसमें पानी शामिल करके उसका पेस्ट बनाकर एक चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा रनी नहीं है, वरना फिर आप बेशक 2 चम्मच डाल दें। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग डालेंगे एक और ऐसी इंग्रेडिएंट जो हमारी क्यूजीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो है नींबू का रस। बिल्कुल, तीखा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। चटखारे ना आए हमारे खाने में तो फिर मज़ा ही नहीं आता। कैसे पता चलेगा कि हम पाकिस्तानियों का खाना है? और प्लस लेमन जूस के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग चिकन बना रहे हैं वो अगर सख्त हो जाए और उसके अंदर वो जूसेस ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और आई थिंक ये लेमन डाल देते हैं तो टूटती भी नहीं है ज़्यादा चिकन, अगर थोड़ा सी कुक हो जाए तो। जी बिल्कुल, इसके अंदर हल्का सा फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी आती है अच्छी, और साथ ही साथ सभी फिश और चिकन में कहा जाता है कि वैसे लेमन डाल लेना चाहिए बिल्कुल, ताकि वो टूटे ना। जब आप उसको बनाते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि चिकन जो है उसके पीसेस हो जाते हैं तो वो ना टूटे इसके लिए हम लेमन जूस इसमें डालते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग लेमन अभी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली चिकन को टेंडर करेगा ताकि वो जल्दी पक भी जाए और वो सारे जूसेस जो है अंदर वो अंदर ही रखे, ठीक है, बाहर निकल के फिर वो जो चिकन ड्राई हो जाती है उससे होने से बचा देगा। आगे चलते हैं। वैसे अब तक हमारे पास कितनी इंग्रेडिएंट्स हो चुके होंगे? आपने क्या गिनती रखी थी? नहीं, मैं गिनती नहीं हूँ, बस ये सामने है ना, पता चल रहा है 4-5 इंग्रेडिएंट्स डालें। अब yes. क्या इसमें ऐड करने वाले हैं? अब मैं इसके अंदर जो है अपने ड्राई स्पाइसेस डालूंगी तो उसके लिए एक फ्रेश चम्मच लूंगी ताकि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स और वैसे भी गिन के और हिसाब से जो खाना बनाया जाता है ना उसमें टेस्ट नहीं आता, आपको ना अपने अंदाजे से बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं हमारी एक ऐसी एक स्टेपल इंग्रेडिएंट नमक, जिसके बगैर कोई भी डिश कम्प्लीट नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही, तो नमक वैसे आप लोग हसबे जायका ही देखते हैं, कुछ लोगों को कम की जरूरत पड़ती है, कुछ को ज्यादा। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा टेबल स्पून डाल दिया है, व्हिच इज तकरीबन 2 टीस्पून। ठीक है, और कौन से स्पाइसेस डालेंगे? उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे लाल मिर्च है, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, सफेद मिर्च का पाउडर, ठीक है, पिसा हुआ कितना जाएगा, ये भी 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला है, ठीक है, गरम मसाला 1 टीस्पून बहुत है, ठीक है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद फिर ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ओके, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून काफी है, 1 टीस्पून जाएगा। एंड फाइनली जीरा का पाउडर, ओके, इसके अंदर क्योंकि हल्के से साबुत भी मिले हैं, लेट्स जस्ट ऐड द पाउडर। ठीक है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा।
अब इसको चिकन में इसको सबको मिक्स करके एंड देन चिकन इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसका मैरिनेशन जो है ये कितनी देर के लिए छोड़ना है हमें? वैसे इसके पास अगर आपके पास वाकई बहुत ज़्यादा टाइम हो, आप अपने घर पे बना रहे हो, तो यू कैन लीव इट इन फॉर अबाउट 1 घंटा मिनिमम। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा, आधे से 1 घंटा काफ़ी है। चलें ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम थोड़ा सा कम छोड़ेंगे। ठीक है, ओके, डन हो गया। तो यहाँ समिया ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो जब तक समिया यहाँ पर मसाले की मिक्सिंग कर रही है और चिकन को इसमें ऐड करके मैरिनेट कर रही हैं, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, आपसे मिलते हैं छोटे से। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए, रिवायतों की लज्जत के किचन में मौजूद है समिया, जो यहाँ पे नवाबी हांडी बना रही है। समिया, क्या कर रही थी आप ब्रेक पर जब हम गए थे, तो आपने शायद इसमें ऑयल में प्याज ऐड करा था? ये हमने एक्चुअली ब्रेक में करना पड़ा, हम लोग वैसे मैरिनेशन कर रहे थे, मैरिनेशन सेट है, इट्स गॉटन 10 मिनट्स का टाइम, और यहाँ पे हमने जब तक प्याज को अपनी फ्राई कर दी थी। ठीक है, तो प्याज जो है वो समिया ने लाइट ब्राउन किया है या इसको ब्राउन करना है? लाइट गोल्डन ब्राउन। ठीक है, और कितनी प्याज ली हमने? ये हमने ली है 1 मीडियम साइज की। ठीक है, इसको चॉप किया था? यस, फाइनली चॉप। उससे ये होता है कि आपके वो खाने के नसी से मिक्स हो जाती है जो हांडी की ग्रेवी होती है, और प्लस बेस्ट चीज ये है कि जल्दी बनती है वैसे। ठीक है, और ऑयल हमने इसमें कितना ऐड किया था आपने? ऑयल ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि अभी इसके अंदर इवेंचुअली मैं बटर भी ऐड करूँगी, लेकिन ये है तकरीबन अराउंड 5 टेबल स्पून्स। ठीक है, 5 टेबल स्पून्स इसमें ऑयल गया था, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, फिर उसमें अनियन शामिल कर दी थी, उसको गोल्डन ब्राउन कर दिया था। अब हम इसमें क्या करने वाले? अब हम लोग इसके अंदर जो हमने मैरिनेशन तैयार करी थी वो डाल देंगे। ओके, सो दिस इज द मैरिनेशन। ठीक है, तो ये जो चिकन का मैरिनेशन है जो हमने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, अब हम प्याज हमारी डन हो गई है, और ये आप देख सकते हैं कि मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें डाल रहे हैं। समिया, वैसे आपने बताया था कि हमारे पास तो टाइम नहीं था, तो हमने तो थोड़ा टाइम दिया था, तो क्या इसको ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं? बिल्कुल ओवरनाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि चिकन है इट्स नॉट दैट नेसेसरी, तो हम लोग उसको अराउंड 1 घंटे तक भी काफ़ी है। अच्छा, ये नवाबी हांडी क्या सिर्फ चिकन में ही बन सकती है? ये वाली जो है मैं चिकन बना रही हूँ, वैसे आइडियली ज़्यादातर चिकन में ही बनती है। ओके, अभी के लिए मैं इसको सिर्फ इतना ही डाल रही हूँ, रेस्ट विल ऐड। वैसे फिश हांडी वगैरह भी ना लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ के, तो क्या फिश का बोनलेस लेके इस तरह से हम इसी रेसिपी से बना सकते हैं उसकी? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिश जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है कम्पेयर टू चिकन, और उसको फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। अच्छा, कुकिंग कभी मैरिनेशन पूरा ऐड नहीं कर रहे हम? वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इसको मैं ओवरक्राउड नहीं करना चाह रही अभी, तो फिर हम लोग इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी सफाई भी हो जाए। थैंक यू, हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा समिया, फिश का आप कुछ बता रही थी? फिश को इतना टाइम नहीं चाहिए होता ना मैरिनेशन के लिए और ना ही कुकिंग के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा हम लोग पकाएंगे। रेसिपी यही फॉलो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अंदर आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पर हमारी चिकन जैसे हल्की सी पकनी शुरू हो गई है, वी हैव वाइट लिटिल पीसेज हियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा समिया, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि आपने इसमें ब्लैक पेपर जो है वो ऐड नहीं किया? मैंने व्हाइट पेपर ऐड कर दिया था, तो ब्लैक पेपर क्यों नहीं ऐड किया आपने? आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर क्योंकि मैं इसके यहाँ पे ज्यादातर एक व्हाइट ग्रेवी की तरफ जा रही हूँ, तो वो ब्लैक ब्लैक जो हल्के से दाने दाने से आते हैं वो पर्सनली मुझे नहीं पसंद, तो मैंने इसकी सब्स्टिट्यूट में व्हाइट डाल दिया। ठीक है, तो व्हाइट थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप उसके हिसाब से प्लस माइनस अपना अच्छा कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो घरों में ना व्हाइट पेपर आई थिंक ज्यादा यूज नहीं होती, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल, आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है तो वो यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली, तो अब मैं जो है उसको हल्का सा कवर कर दिया ताकि ये आराम से अपना वो जल्दी से कुक हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर जो हमारे पास उधर बटर रखा हुआ है मक्खन, उसको भी अंदर डाल देंगे एक्स्ट्रा जायके के लिए, एक्स्ट्रा वो एक वेलवेटी फ्लेवर जो आता है वो आ जाएगा। तो ये बटर कितना लिया आपने? बटर में वैसे ज्यादा से ज्यादा 1 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करूंगी, और साथ में जो हमने क्रीम बचाई थी वो भी मैं भी अंदर डाल दूंगी। ठीक है, तो अब बटर इसमें ऐड करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, बटर भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास क्रीम रखी है उसको वो डाल देते हैं। ठीक है, तो आप ये जल्दी से डाल दें ताकि हम रेसिपी कार्ड के रिव्यू की तरफ चले जाएं। कितनी क्रीम जो आपने इसमें हाफ पहले मैरिनेशन में ऐड की थी और जो बच गई है वो अभी आप ऐड करिए, राइट? बिल्कुल। ठीक है, कितनी देर चिकन को बनाने के बाद हमने इसमें क्रीम ऐड की है? Once it's half done. ठीक है, ओके, और ये बटर भी इसमें आप ऐड कर दें, और हम रेसिपी कार्ड के रिव्यू की तरफ। बटर इसमें कितना जाएगा?
बस एक टेबल स्पून, और उसके बाद फिर हम लोग जब ये रेडी हो जाएगी, वैसे तो रेडी हो ही गई है, इसके अंदर हम लोग गार्निशिंग कर देंगे धनिया के साथ जो वहाँ पे कटा हुआ रखा हुआ है, अदरक के छोटे छोटे पीसेस और हरी मिर्च साबुत। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर क्रीम ऐड हो गई है, बटर अभी ऐड होने वाला है, तो आप जल्दी से जाएँ, और अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई तो रेसिपी काट कर रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएँ। नवाबी हांडी अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई हरी मिर्च 1 से 1.5 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, क्रीम 3 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, पेस्ट बनाने के लिए पिस्ते 3 खाने के चम्मच, बादाम 3 खाने के चम्मच, काजू 3 खाने के चम्मच। तरकीब, चिकन में सबसे पहले तमाम अज्जा शामिल करके इसे मैरिनेट कर लेंगे, फिर एक पैन में ऑयल डालकर चिकन को पकाएंगे जब तक 70% पक ना जाए। अब एक ब्लेंडर में सफ़ेद तिल, काजू, खसखस और थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब एक बाउल में दही, क्रीम, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, हरी मिर्च, तेल और मक्खन शामिल करके मिक्स कर लेंगे। एक अलग बर्तन में प्याज को लाल होने के लिए रख देंगे। जब प्याज लाल हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद मिर्चों वाली दही और चिकन डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें काजू का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। 10 मिनट पकने के बाद इसमें दूध शामिल करके ढक कर 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। जब तेल ऊपर आ जाए तो हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और क्रीम से गार्निश करेंगे। मज़ेदार नवाबी हांडी तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं, और जिनसे रेसिपी मिस हो गई थी आई होप उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। रेसिपी कार्ड के रिव्यू पर जाने से पहले हमने इसमें क्रीम ऐड की थी, और बटर जो है वो हमने कितना ऐड किया, हाँ पे एक खाने का चम्मच जो है वो डाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे बल्कि अभी मिक्स नहीं किया था, सो इट्स जस्ट राइट हियर, बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसको सही से मिक्स करके 2 मिनट लिए छोड़ देंगे, जब तक वो जो कहते हैं ना कि तेल ऊपर आ जाता है तो आपको पता है कि आपकी डिश तैयार है। इसको ऐसे ही आप चमचा चलाती रहेंगे या इसको कवर करके भी रखना है? इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, लेकिन अभी क्योंकि मैं इसको सही से वो मक्खन अंदर मिक्स कर रही हूँ तो चम्मच। अच्छा, गार्निशिंग का आप मुझे कुछ बता रही थी, आपको धनिया चाहिए गार्निशिंग के लिए? धनिया चाहिए, हरी मिर्चें और हमारा जो अदरक यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, तो आपको अगर इसको कट करना है तो आप कट कर लें, जब तक ये अपना टाइम ले रहा है गलने में तो आप यहाँ गार्निशिंग की तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, आपको पता है, तो आप यहाँ आ जाएं। तो गार्निशिंग भी वैसे हमारे पास यहाँ पे तैयार है। दिस इज आवर अदरक जो हमारा यहाँ पे कटा हुआ रखा हुआ है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें जिनकी डंडियाँ मैं निकाल चुकी थी पहले से ही। ठीक है, तो इनको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि सामने आ जाए, देख लें। समिया जो खाना बना रही है, नवाबी खाना है, लेकिन स्पाइसेस इसमें पूरे हैं। आप चीजें बनाए अच्छी नहीं, उसके अंदर जो जायका अच्छा ना हो तो फिर क्या है, तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कटा हुआ धनिया है जिसको हम लोग ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। That is it. उसके बाद फिर हम भी आप इसको जरा टेस्ट करें कि बना या नहीं बना अभी तक। आप कर लें, आपको दूं मैं कुछ? यस प्लीज, फोर्क ला के देती हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली कह रही थी कि हम लोग जो है अब उसको जरा डिश आउट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको इसमें डिश आउट कर लेते हैं। ओके, और निकालने के बाद अगर आपको इसको टेस्ट करना हो तो आप कर सकती हैं। मैं भी टेस्ट करूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है, क्योंकि मैंने डिश बनाई है तो आप मुझे टेस्ट करके बताइए। ठीक है, डन हो गया, बस आप निकालें। ये इसका ऑयल आई थिंक ऊपर आ गया है। यस, अच्छा खासा हद तक आ गया है, तो इसको देख लें नाज़रीन, तब तक कवर करके रखना है, चिकन भी अच्छे से गल जानी चाहिए और ऑयल जो है, जो हमने ऑयल और बटर्स में डाला था, वो अच्छे से ऊपर आ जाना चाहिए। और ये अब मज़ेदार सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई, ये बटरी सी इसकी जो खुशबू है, देखने में लग रहा है कि बहुत मज़े की होगी, टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगी कि कैसी है। ठीक, वुड यू हेल्प मी गार्निश? हाँ बिल्कुल, किचन में जब साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर हल्की सी। नहीं नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी, आप टेंशन ना ले, बस आप इसको डिश आउट कर लें अच्छे से। ओके, बस यहाँ पे हल्की सी ग्रेवी और डाल देते हैं। देख लीजिए जनाब, हमने जो है चिकन जितना मैरिनेट किया था और कुछ हमारे पास बच गया था उसको हमने रख दिया है, तो अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। आपके घर में भी अगर चिकन ज़्यादा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं बनाना है, तो आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, 1 या 2 दिन इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं।
बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रेश बनाने की एक और ही बात होती है. तो यहाँ पे हम लोग उसको डिश आउट कर चुके हैं, इसका तेल भी इधर ऊपर आ चुका है. लेट अस गार्निश विद, ठीक है, थोड़ा सा धनिया के साथ. ओके, अब देखिए इसकी गार्निशिंग हो रही है और फाइनल लुक इसकी हम आपको बताएंगे कि कैसी आती है. वही तो बात है ना कि खाना जो है वो इंसान खाता बाद में है, पहले आंखों से खाता है, तो आंखों से खाने में अच्छा होगा तो फिर हम उसको टेस्ट करेंगे. ओके एंड फाइनली यहाँ पे जो हमारे पास कटा हुआ अदरक था, इसको धनिया इसमें ऐड कर दिया, ग्रीन चिलीज इसमें चली गई, और अब ये जो अदरक रखा हुआ था जूलियन कट में वो भी हम इसको ऐड कर रहे हैं. और अब हम इसको डन हो गया, अब हम इसको यहाँ रखते हैं ताकि हमारे जो कैमरामैन हैं वो खूबसूरत से डिश को और खूबसूरत दिखा सके, ताकि हमारे नाज़रीन को देखने में अच्छी लगे और वो जल्दी से इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और वीकेंड पर भी आप इसको बना सकते हैं. जी समिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले नहीं अब सबसे आखिरी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा. एंड यहाँ पे एवरीबॉडी वाज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड, और ऑब्वियसली मिलके रिवायती डिशेस बनाने में कोई एक अलग ही मज़ा होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी समिया के साथ बहुत ही अच्छा लगा, और समिया ने इतनी मज़े की रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर की. और हमारे जो नाज़रीन हैं देखने वाले, अगर वो ख़वातीन जो रोज़ाना सुबह उठ के सोचती हैं कि भाई आज क्या बनाना है, तो उनके इस सवाल का जवाब हमारे इस प्रोग्राम में मिल गया कि आज उनको क्या बनाना है. सो जनाब, अब वक्त ख़त्म होता है हमारे इस प्रोग्राम का. थैंक यू सो मच समिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल कर आईं. और नाज़रीन, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त अब ख़त्म होता है, दिल तो नहीं चाहता लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा. जाएंगे तो दोबारा वापस आएंगे एक नई रेसिपी और नए शेफ़ के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.